बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह के पनाह में रहें। आज हम बना रहे हैं नूडल्स ऑमलेट ब्रेकफास्ट के लिए, जो बच्चों को बेहद पसंद है। नूडल्स वो लंच बॉक्स में और ब्रेकफास्ट में खाना बहुत पसंद करते हैं। आज बच्चों की फरमाइश पे हम बना रहे हैं नूडल्स। उसके लिए लिए हैं मैंने 2 पैकेट नूडल्स, उनको फुल डन बॉयल करके पानी स्ट्रेन किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ उसका टेस्ट मेकर। दोनों पैकेट का मैं फुल दोनों टेस्ट मेकर डाल दूँगी ताकि हमारे नूडल्स फीके ना बने, और इस तरह डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है और बहुत मज़े के नूडल्स बनते हैं। टेस्ट मेकर डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैं लूँगी लार्ज साइज़ 3 अंडे। लार्ज साइज़ 3 अंडे लेके उनको चेक करके आप फिर एक बॉल में डाल लें ताकि गर्मी के सीज़न की वजह से कोई अंडा ख़राब ना हो। फिर इनको अच्छी तरह बीट करें, आप जिससे भी बीट करना चाहते हैं अच्छी तरह फ्लॉफी करके। फिर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। उन वेजिटेबल्स में है टमाटर बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च बारीक चॉप 1 टेबल स्पून, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, 1 छोटी प्याज, आप इसको 1 टेबल स्पून से ज़्यादा समझें, ये छोटी सी प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप करके डाला है। इसको अच्छी तरह बीट करें ताकि तमाम सब्जियां अंडे में मिक्स हो जाएं। अब हम डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक। चिली फ्लेक डालने के बाद इसको अच्छी तरह बीट करें, तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह रच बस जाएं ताकि अंडे में और एयर आए, और हमारा अंडा जब हम इनको ऑमलेट की शक्ल में बनाएंगे तो ये बहुत फ्लफ़ी और नरम बनेगा। फ्राई करने के लिए पैन में मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून घी या ऑयल जो आप लेना चाहें। उसमें ये अंडों का तमाम मिक्सचर डाल दें और फ्लेम को आप लगें बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, दम की आंच यानी कि लो फ्लेम के ऊपर आप पैन को रख के गर्म करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर ये तेज़ आंच होगी तो आपका ऑमलेट बहुत जल्द जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। नीचे से काफ़ी लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसको 1 से 2 मिनट ज़रूर लगेंगे पकने में। फिर जब ये पक जाए, ऊपर से अभी हल्का सा नमी है इसमें अंडों में, तो हम अपने नूडल्स डाल देंगे जिनमें हमने टेस्ट मेकर डाला था, और फिर हम अपना ऑमलेट जो है वो फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इनको ऊपर से दबाएं हल्की आंच पे, अभी भी दम की आंच के ऊपर ही आपने इनको दबा के पकाना है ताकि अंदर से जो कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाए, और नूडल्स के जो जितने भी फ्लेवर्स होंगे फ्लेवर मेकर के वो अच्छी तरह ऑमलेट में भी आ जाएंगे। ये नाश्ता इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनता है कि आपके बच्चे स्कूल जाने से पहले ज़िद नहीं करेंगे और ज़रूर खा के जाएंगे। उनको एक हेल्दी और अच्छा नाश्ता मिलने वाला है। अगर आपको ये हमारा नूडल्स ऑमलेट पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।